हमारा जोश देखकर लोगों के होश उड़ गए। ठाणे में एकनाथ शिंदे पर गरजे उद्धव ठाकरे, तो वहीं उत्तर भारतीयों का दिल जीतने के लिए पूरा भाषण हिंदी में दिया। मार्केट में आज बहुत चाइनीज माल आ गए हैं, ऐसे ही चाइनीज और गद्दार लोग अपने आप को शिवसेना से ऊपर समझ रहे हैं। उद्धव ठाकरे का शिंदे गुट पर हमला, मैं कांग्रेस के पास नहीं गया था, भाजपा ने मुझे मजबूर किया था जाने के लिए। उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर जोरदार किया हमला। शिवसेना और भाजपा के हिंदुत्ववादी गठबंधन फेविकॉल की जोर से भी ज्यादा मजबूत था, लेकिन वह जोर भाजपा ने तोड़ी। उद्धव ठाकरे का बयान, मुंबई में अगले 48 घंटे तक नहीं होगी जोरदार बारिश, 2 अगस्त को शहर में मूसलाधार बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। संभाजी भिड़े की विवादित टिप्पणी को लेकर पूरे महाराष्ट्र भर में आंदोलन, एफआईआर दर्ज, गिरफ्तारी की मांग हुई तेज। संभाजी भिड़े ने महात्मा गांधी को लेकर दिया था विवादित बयान, कहा गांधी मोहनदास के असली पिता नहीं है बल्कि वो मुस्लिम जमींदार के बेटे हैं। मोदी विश्वगुरु बनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके देश में महिलाओं पर अत्याचार रुक नहीं रहा। मणिपुर मामले को लेकर उद्धव ठाकरे का मोदी पर हल्ला बोल, 50 खोखे वालों को ठोके, ठाणे में एकनाथ शिंदे पर गरजे संजय राउत। 1 अगस्त को शरद पवार के हाथों मोदी का सम्मान, एक मंच पर मौजूद होंगे दोनों दिग्गज, विपक्ष को लग रहा है डर। पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े को मिली बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी, मंत्री विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महासचिव चुना। मुंबई में फिर हो सकता है आतंकी हमला, कोलाबा में स्थित चाबड़ हाउस पर 26/11 आतंकी हमले का खतरा, पुलिस सुरक्षा बढ़ाई, पुणे से गिरफ्तार हुए 2 आरोपी। जो पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 24 घंटे के अंदर ठगी गई रकम बरामद की। मुंबईकरों को अगस्त तक पानी की कटौती से मिलेगी बड़ी राहत, झीलों में 80% तक पानी भरा। सांताक्रूज में 80 साल के बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी, मोबाइल का 155 रुपए का प्रीपेड रिचार्ज करवाना पड़ा, महंगा, लूट गए 1 लाख रुपए। अहमदनगर में नाबालिग लड़की का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश, महिला ट्यूशन टीचर समेत 8 पर केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार। चार महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश की वजह से तबाही, अमरावती का किसान बोला मैं आत्महत्या करने को तैयार हूँ। धारावी में भारी बारिश के कारण मकान ढहने से महिला घायल, आसपास के कमरे खाली कराए गए। डोमिवली में लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बनाए संबंध, अपहरण कर नाबालिग के साथ रेप, 29 वर्षीय आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र में फैल चुकी है आंखों की बीमारी, पुणे में मिल चुके हैं हजारों मरीज। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा फेरबदल, 13 उपाध्यक्ष, 9 महासचिव, 13 सचिव की घोषणा। सतारा कास रोड पर 2 कारों के आमने सामने टक्कर, 1 की मौत और 5 घायल। ठाणे में पुलिस उत्पीड़न के कारण 24 वर्षीय युवक ने की आत्महत्या, पुलिस ने युवक के दावे से किया इनकार, आर्मी में जाना चाहता था शख्स। कोल्हापुर में किसान के खेत से चोरी हुए 50 किलो टमाटर, घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील गैंग का शूटर गिरफ्तार, 25 साल बाद मिली कामयाबी।